बरेला पिंडरा मरवाही जिले में अपने अल्प प्रवास के दौरान मरवाही नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक खैरागढ़ विधानसभा पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष ने उपचुनाव के राजनीतिक सरगर्मी को लेकर चुनाव परिणाम से पहले ही बड़ा बयान देते हुए भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। लगभग 5 से ऊपर हो गई है, लगभग मतदान समाप्त होने की स्थिति में है। जो वहाँ के रुझान आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि 3 साल में कांग्रेस के सरकार ने विकास के नाम पर खैरागढ़ के लोगों को धोखा देने का काम किया है। कहीं भी विकास कार्य आज कांग्रेस गिनाने की स्थिति में नहीं है। घोषणा पत्र के ऊपर घोषणा पत्र जारी की जा रही है, लेकिन पिछले समय का जो घोषणा पत्र है वो पूरा नहीं हुआ। अभी नए जारी किए हैं, पूर्व में 4 जिले बनाए गए, घोषणा की है, लेकिन अस्तित्व में नहीं आया, 5वें जिले के नंबर आ गए। ऐसे में जब तक पहले के घोषणा पत्र का क्रियान्वयन नहीं होगा तो उनके ऊपर भरोसा कौन करेगा। और इसलिए जनता ने यह तय कर लिया है कि इस चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाएगी। जिस प्रकार से उन्होंने जनता को धोखा दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जीत करके आएगी।